हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे डायबिटीज़ में खाए जा सकने वाले शुगर फ्री बिस्किट के बारे में। जी हाँ, वैसे तो डायबिटीज़ में किसी भी तरह के बिस्किट को खाने से मना किया जाता है, लेकिन आज हम आपको जानकारी देंगे 5 ऐसे बिस्किट के बारे में जो डायबिटीज़ में आराम से खाए जा सकते हैं, और ये पूरी तरह से मेडिकेटेड है और कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और मैं आपको बताऊं कि सामान्य तौर पर डायबिटीज़ में कोई सा भी बिस्किट खाने की मनाही होती है, लेकिन अगर ये बिस्किट शुगर फ्री और ओट्स या फिर इसी तरह के कुछ खास फूड आइटम से बने हों तो ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और साथ ही साथ स्वास्थ्य को अन्य लाभ भी पहुंचाते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए एक बेहद ख़ास जानकारी लेके आए हैं, जिसमें हम आपको 5 तरह के ऐसे खास बिस्किट्स के बारे में बताएंगे जो डायबिटीज़ में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं और साथ ही साथ अन्य स्वास्थ्य लाभ भी पहुँचाते हैं। तो इसमें अगर बात करें सबसे पहले नंबर की, तो ये है डायबिलिस मिलेट बिस्किट। जी हाँ, डायबिलिस मिलेट बिस्किट एक बेहद ही फ़ायदेमंद बिस्किट है, और ये कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ख़ास तौर पे बनाया गया ऐसा बिस्किट है जिसका सेवन अगर आप रेगुलर भी करते हैं तो भी आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। ख़ास तौर पे प्री डायबिटीज़ और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये एक शानदार बिस्किट है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, यानी 20 से भी कम है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं है, तो आप इसे आराम से खा सकते हैं। फिर बात करें अगले बिस्किट की, तो ये है डाइबो डिलाइट मल्टीग्रेन शुगर फ्री कुकीज़, और ये भी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए डिज़ाइन किया गया एक शानदार बिस्किट है। इसमें मुख्य रूप से 58% जो है मल्टीग्रेन आटा है, यानी वीट फ्लोर, ओट्स, सोया, रागी और बाजरा के बने बिस्किट हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर है इसमें, स्टीविया डाला गया है। इसके अलावा मिल्क सॉलिड्स हैं, क्यूमिन सीड्स हैं, फेनुग्रीक है, कैरम सीड्स हैं, और इसमें कहीं ना कहीं वीट ब्रान भी है। तो ये भी डायबिटीज़ के लिए अच्छा बिस्किट है, फाइबर का अच्छा सोर्स है, आराम से खाए जा सकते हैं। फिर डायबिटीज़ में अगर आप बिस्किट खाना चाहते हैं तो एक और अच्छा ऑप्शन है आपके पास, सनफीस्ट के फार्म लाइट डाइजेस्टिव ओट्स बिस्किट, जिसमें आलमंड्स भी हैं। आप समझिए कि इसमें 35% आटा है, और इसके अलावा इसमें ओट्स हैं मुख्य रूप से, और कहीं ना कहीं लिक्विड ग्लूकोज है, आलमंड्स की बाइट्स हैं इसमें छोटी छोटी, फिर इसमें मिल्क सॉलिड्स हैं, एडिबल कॉमन सॉल्ट्स है, यानी थोड़ा सा नमक भी है, इमल्सीफायर्स पाए जाते हैं, और इसकी खास बात है कि इसमें मेल्टोडेक्सट्रिन पाया जाता है। और आप समझिए कि ये सभी इंग्रेडिएंट्स डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। फिर अगला ऑप्शन है ब्रिटानिया का न्यूट्री चॉइस एसेंशियल्स। जी हाँ, ये भी खास बिस्किट हैं जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद बताए जाते हैं। इसमें रिफाइंड वीट फ्लोर है, एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स हैं, रोल्ड ओट्स हैं यानी ओट्स अधिक मात्रा में है, मिल्क सॉलिड है इसमें, नेचुरल सीरियल्स हैं इसमें, और कहीं ना कहीं फाइबर की मात्रा अत्यधिक है। फाइबर जो है इसमें नेचुरल फाइबर है जो हमारे पाचन को यानी डाइजेशन को बेहतर करते हैं। तो डायबिटीज़ में सीमित मात्रा में इन बिस्किट्स का सेवन भी किया जा सकता है। फिर बात करें अगले बिस्किट की, तो हमारे हिसाब से ये सबसे अच्छे बिस्किट हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इनका नाम है डायबैक्सी डायबिटिक आलमंड कुकीज़। जी हाँ, बादाम के बिस्किट हैं, इसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर है, और कहीं ना कहीं बेसन है, फ्रक्टो ऑलिगो सैक्राइड्स पाई जाती है शुगर के रूप में, सॉर्बिटोल डाला गया है इसमें, सुक्रालोज है, फिर हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, और कहीं ना कहीं ऐसे फ्लेवर्स डाले गए हैं जो परमिटेड हैं, यानी डायबिटीज़ में नुकसान नहीं पहुंचाते। तो आप समझिए, और आप डायबिटीज़ में इनमें से किसी भी बिस्किट का सेवन कीजिए तो ये आपको नुकसान की बजाय फ़ायदा ही करेंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी खाएँ तो सीमित मात्रा में खाएँ, और ये सभी बिस्किट ऑनलाइन अवेलेबल हैं, यानी आप अमेजन जैसी किसी भी कमर्शियल वेबसाइट से आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे मंगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।